आईपीएल के प्लेऑफ में आरसीबी आई, चेन्नई सुपर किंग्स की हो गई विदाई। विराट की आर्मी ने लूट ली महफिल। जी हां, आईपीएल सीजन 17 में आरसीबी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और आईपीएल सीजन 17 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम अब आरसीबी बन गई है। हैरानी की बात यह है कि आरसीबी ने अपने वर्चुअल नॉकआउट मुकाबले में पिछले सीजन की चैंपियन रही चेन्नई सुपर किंग्स को चारों खाने छित करते हुए मुकाबले में जीत हासिल की है। हालांकि मैच जो था उसमें टॉस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था और ऐसा लग रहा था कि इस मैच में आरसीबी के लिए हालात आसान नहीं होंगे, लेकिन आरसीबी के इरादे कुछ और करने वाले थे और नतीजा यह रहा कि मैच में चेन्नई सुपर किंग्स न सिर्फ हारी बल्कि प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो गई है। मैच में किस तरह से आरसीबी ने अपनी बाजी को जीता अब मैं आपको बताती हूँ। आपको बता दें कि आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट पर 218 रन बनाए। हालांकि आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए आरसीबी को चेन्नई सुपर किंग्स पर कम से कम 18 रनों के अंतर से जीत की दरकार थी, लेकिन आरसीबी ने चेन्नई के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और मैच में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई चारों खाने चित हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने सिर्फ 29 गेंदों पर 47 रन बनाए। फफ डु प्लेसी ने भी 39 गेंदों पर 54 रन बनाए तो रजत पाटीदार ने 41 और कैमरन ग्रीन 17 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत के लिए 219 रनों की चुनौती थी। वहीं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे कम से कम 201 रन बनाने थे। वहीं जब चेन्नई की पारी शुरू हुई तो आरसीबी के गेंदबाज एक अलग लय में नजर आए। मैच की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ग्लेन मैक्सवेल का शिकार बन गए और बिना खाता खोले आउट हो गए। डेरिल मिचेल भी 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र ने एक अच्छी पार्टनरशिप की और मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को लाने की कोशिश की, लेकिन रचिन रविंद्र का 61 रन बनाकर आउट होना चेन्नई सुपर किंग्स की पारी पर बड़ा झटका साबित हुआ। अजिंक्य रहाणे 33, शिवम दुबे 7 रन तो मिचेल भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में 22 गेंदों पर 42 रन बनाकर रविंद्र जडेजा तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी 13 गेंदों पर खेली 25 रनों की पारी से चेन्नई की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन अपने 20 ओवरों में चेन्नई 7 विकेट पर सिर्फ 191 रन बना पाई और ऐसे में इस मैच में आरसीबी ने 27 रनों से जीत दर्ज की। हकीकत तो यह है कि जब आईपीएल का मौजूदा सीजन शुरू हुआ था तब आरसीबी ने अपने 8 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला जीता था। आज आरसीबी के बल्लेबाज उसके गेंदबाज और कप्तान आउट ऑफ फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डुप्लेसी की कप्तानी भी गलत साबित हो रही है, उनका कोई भी फैसला सही नहीं जा रहा, लेकिन पिछले 6 मुकाबलों में लगातार आरसीबी ने 6 के 6 मैच जीते हैं और न सिर्फ इन मैचों में जीत हासिल की है बल्कि बड़े बड़े अंतर से यह जीत आरसीबी ने दर्ज की है। इसके साथ अब आरसीबी ने प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के साथ ही अब दूसरी टीमों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अब आरसीबी का मुकाबला एलिमिनेटर में आने वाली दूसरी टीम के साथ होगा। मुमकिन है कि प्लेऑफ में जो आरसीबी को एलिमिनेटर मैच खेलना है वहां पर उनका सामना राजस्थान रॉयल्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद में से किसी एक टीम के साथ हो। अब जो भी टीम आरसीबी के खिलाफ ये मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी यकीनन इस फॉर्म में दिख रही आरसीबी के खिलाफ उसके लिए मुकाबला आसान नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है आरसीबी का ये जो कमबैक है क्या उसे आईपीएल सीजन 17 में खिताब का दावेदार दिखा रहा है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।